एक्ट्रेस अदा शर्मा की फिल्म द केरला स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। 40 करोड़ की लागत से बनी फिल्म अदा शर्मा की इस फिल्म ने अब तक 200 करोड़ कमा लिए हैं। अब तक इस फिल्म ने 200 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। अदा शर्मा अपने फिल्म की कहानी को लेकर काफ़ी चर्चा में रह रही हैं। कोई अदा शर्मा की फिल्म को प्रोपोगेंडा बता रहा है तो कोई इस फिल्म की कहानी को सच्ची बता रहे हैं। अब इसी बीच द केरला स्टोरी को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धरेंद्र ने भी इसको लेकर बयान दिया है, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है। धरेंद्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पंडित है, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। पंडित धरेंद्र शास्त्री कई मुद्दे पर अपनी राय रखते रहते हैं। इसी बीच पंडित धरेंद्र शास्त्री ने अदा शर्मा की फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर एक बयान दिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बागेश्वर धाम के पंडित धरेंद्र शास्त्री कहा कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो सब सच है, इसमें हिंदुओं को जागने वाली बात है, जो हुआ है वही फिल्म में दिखाया गया है। पंडित धरेंद्र शास्त्री के इस बयान को लेकर खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। अदा शर्मा की फिल्म द केरला स्टोरी में लव जिहाद और आतंकवाद को मुद्दे फिल्म में केरला स्टोरी की कुछ लड़कियों की कहानी बताई गई है, जिन्होंने पहले मुस्लिम धर्म कबूल किया और फिर इसके बाद उन्हें ISIS में भर्ती करवाया गया।